ये लड़की इतनी रात को क्या कर रही है? इतनी रात को जागना, खाना खाना, कहीं ये लड़की को छुपा तो नहीं रही है? बोंदिता को बताना पड़ेगा। बाबा बैठो। नहीं बाबा, कुछ पूछना है आपसे। पूछो बाबा। उस लड़की का माँ का पुनर्जन्म बनकर आना कुछ कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? क्योंकि मेरा मानना यह है कि माँ के नाम की आड़ लेकर कोई बहुत बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। मानना तो हमारा भी यही है अनिरुद्ध, पर सवाल यही उठता है कि इतना सब कुछ कैसे जानती है ये लड़की? बाबा वो लड़की कुछ नहीं जानती। इतना बड़ा खेल खेलना उस छोटी सी लड़की की बस की बात ही नहीं है। कोई और जो उस लड़की को कठपुतली बनाकर नचा रहा है। बोंदिता, क्या हुआ दीदी? तुझे पता है मैंने क्या देखा? आप क्या कह रहे हो संपूर्णा दीदी? वो कोई किताब पढ़ रही थी। हाँ, और उस किताब पे ओम ओम करके एक चित्र भी बना था, और वो घी में एक चुपड़ी लुचिया खा रही थी। शक्ति, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे? पर उसने तो कहा था। जानो ना, मैं भी नहीं खा सकती हूँ ये सब। बल्कि जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता, मैं अन्न को छूंगी भी नहीं। एक दाना भी नहीं खाएगी अन्न का। सही कहते हैं पति बाबू, सच में झूठी है वो तो। धोखा दे रही है सबको। तभी तो मेरा मन इतना परेशान था दीदी। अभी लाती हूँ उसका सच सबके सामने। अब सवाल ये उठता है कि वो इंसान कौन है? कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है अनिरुद्ध। तुम्हारी माँ की बहनें, सहेलियां या रिश्तेदार। तो फिर सवाल यही उठता है कि वो कैसे जानते हैं कि हमारी तिजोरी की चाबी कौन सी है या और बाकी बातें। मतलब कोई माँ के हर छोटी बड़ी बात को जानने की कोशिश कर रहा है। पर अनिरुद्ध सवाल यही है कि क्यों और कैसे? कैसे? बहुत धुंधला धुंधला सा याद है बाबा, पर मार रात को कुछ लिखा करती थी शायद। हाँ, डायरी लिखा करती थी वो अपनी। उसकी डायरी पर ओम लिखा होता था। इतने सालों पहले भी उन औरतों में से वो थी जो पढ़ना लिखना जानती थी, और उससे बड़ी बात बिना चूके वो हर रात अपनी डायरी लिखती थी। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि क्या लिखती है वो, पर नहीं बताती थी। बस ये कहकर डाल देती थी कि अपने मन की हर बात लिखती हूँ, अपने अच्छे बुरे हर पलों को बस शब्दों में उस डायरी पर उतार देती थी। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं माँ की वही डायरी हमारे दुश्मन के हाथ ना लग गई हो? नहीं, वो बाबा वो डायरी कहाँ है? नहीं अनिरुद्ध, वो डायरी किसी के हाथ नहीं लग सकती है, संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसकी चिता के साथ उसकी हर चीज को जला दिया जाए, उसकी डायरी को भी। और हमने ऐसा ही किया अनिरुद्ध।
ये करके ना तुमने शुभ्रा बहन का नहीं हमारा अपमान किया है आज, अनादर किया है उस प्यार का, भरोसे का जो हमने तुम पर किया। आज के बाद हम कभी बात नहीं। नहीं काका सुशी जी, अब मानो आपके मन को चोट पहुंचे, ऐसा करना तो दूर मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब काका सुशी जी है मेरे, आपको मेरी बात से दुख पहुंचे, इससे आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। अगर आपको लगता है गलती की है मैंने तो डांट दे दीजिए मुझे, पर गुस्सा मत होइए अपनी बोलदेता बहू से। ठीक है, रो मत, आज माफ कर देते हैं हम तुम्हें बहू, लेकिन अगर हमारा जरा सा भी सम्मान करती हो तुम तो दोबारा कभी संदेह नहीं करोगी शुभ्रा बहन पर। और अगर तुमने इसके बावजूद दोबारा कभी ऐसा कुछ किया तो हमारा वादा है कि हम जीवन में कभी बात नहीं करेंगे तुमसे दोबारा। तुम तो सच का साथ दे रही हो ना, तो फिर रोना क्यों? अपने आंसू पोंछो और एक बात याद रखो, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच सच कभी नहीं मरता। ये सच भी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा, है ना? तो फिर रोना बंद करो, चलो। सच भले ही ना मरे पर आप नहीं बचेंगे अनिरुद्ध बाबू, इसलिए अपने आंसू बचा कर रखो तुम बोंदिता, क्योंकि आगे तो जीवन भर रोना ही रोना है तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें कि हमें दिखता नहीं कैसी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम हमारी भोली भाली और सीधी बहू को? तुम्हारे कारण ही आज वो अपने संस्कार भूल गई है। अरे हमारा अनादर किया उसने अपने काका ससुर का। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया है? ये अच्छा है? अब ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो, खूब समझ में आता है हमें ये सब नाटक। अरे इस तरह चुका रही हो तुम हम रॉय चौधरी का एहसान, जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था तो किसने रहने को छत दी तुम्हें? हमारे बेटे ने, रॉय चौधरी हवेली लेकर आ गया तुम्हें, जिस घर में नौकर की पत्नी की औकात थी तुम्हारी उस घर में उसने तुम्हें मालिकों जैसा मान सम्मान दिया। तुम लूचियां चुरा रही हो रसोई घर से? कैसी बेशरम और पतिता औरत हो तुम, पति मर गया पर भूख नहीं मरी, तृष्णाएं खत्म नहीं हुई विधवा पापन की। दा, हमारी बहू बोंदिता ने ही तो चाबियां दी होंगी ना इसे रसोई की,
तो इसे लूचियां चुराने की क्या जरूरत है? आप खाम खाए गुस्सा निकाल रहे हैं बेचारी पर। विनय, ये तुम कह रहे हो? वाह 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 वाह, बेटा तो बेटा, बाप भी विधवा कल्याण की वकालत करने लगा। ए लड़की, कोई काला जादू तो नहीं किया तुमने इन सब पे? याद रखना, हमसे कुछ छुपता नहीं है यहाँ पे। तुम बाप बेटे इस पर विश्वास करते हो, करो, लेकिन हमें विश्वास है कि शुभ्रा बहन का पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए खबरदार, अगर तुम्हारा उनके शुभ कार्यों पर किसी ने भी संदेह किया तो कोई प्रश्न नहीं करेगा उनसे, और ना ही कोई कमरे की छानबीन करके अपमान करेगा उनका। बल्कि कल से जब वो प्रसाद भी बनाएंगी, कोई आसपास भी नहीं रहेगा उनके। पर काका, बात पूरी नहीं हुई है अभी हमारी। अच्छे से समझ लो, शुभ्रा बहन का अपमान हमारा अपमान होगा, और हम वहां नहीं रह सकते जहां पे हमारा मान सम्मान ना हो। तो अगर किसी ने भी संदेह किया उनके ऊपर, तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। काका, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध क्या हुआ? क्या हुआ पति बाबू, आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाओ क्या? नहीं बाबा, ठीक हूँ, बस काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं, इसीलिए एक अच्छी नींद मिल जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा। काका गुस्सा मत होइए प्लीज। ये थकान नहीं है अनिरुद्ध बाबू, जो अच्छी नींद से ठीक हो जाएगी, ये जहर का असर है। जैसे ही तीसरी पुड़िया शरीर के अंदर जाएगी ना अनिरुद्ध बाबू, तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध रॉय चौधरी, चौधरी।